हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी फोटो की कटिंग करते हैं और विदाउट मास्किंग आप अगर कटिंग करते हैं इस तरीके से जैसे मैंने कटिंग किया है, और कटिंग करने के बाद आप या तो डब्लू टूल का यूज करते होंगे या तो लासो टूल का यूज करते होंगे, या अगर पेन टूल से भी कटिंग करते हैं आप और आपका ये इस तरीके से बाकी रह जाता है या फेदर नहीं दे पाते या किसी वजह से भी बाकी रह जाता है, तो आप इसको कैसे इरेज करेंगे? आप हो सकता है इरेजर टूल लेंगे यहाँ से, और इरेजर टूल लेने के बाद इस तरीके से आप इरेज करेंगे। ई से इरेजर टूल लिया मैंने और इसको छोटा करके यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से आप इरेज करते हैं तो ये तो गलत तरीका है, क्योंकि इस तरीके से परफेक्शन नहीं आ पाता है। हम कोशिश करते हैं लेकिन ये परफेक्ट तरीका नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मास्क में कटिंग करें। मास्क में कटिंग यानी कि इस तरीके से आप मास्क जनरेट कर दें, ये वाला लेयर जैसे है। इस तरीके से जब आप मास्क जनरेट करते हैं तो इसमें आप डिलीट करते हैं, जब भी आप मास्क डिसेबल करते हैं डिलीट करते हैं तो आपका पूरा फोटो दिखने लग जाता है। अगर कोई पार्ट आपका एक्स्ट्रा भी रिमूव हो गया है तो उसको आप वापस ला सकते हैं, तो आप इसके लिए मास्क जनरेट कर सकते हैं। अगर आप मास्क जनरेट करते हैं, इस मास्क पर आप डबल करेंगे और ऐसा जब आपका रह जाता है कुछ भी, तो इसको आप शिफ्ट एज इधर करेंगे और आपका ये खत्म हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये ऑटोमेटिक तरीके से सभी जगह से खत्म हो गया है, जो कि यहाँ पर इतना था। आप देख सकते हैं हेयर्स में भी इस तरीके से है, जो कि इधर शिफ्ट कर देने पर ये खत्म हो चुका है। और मुझे जरा जरा सा इरेजर टूल का यूज करके धीरे 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 करके रिमूव करना जो पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विदाउट मास्किंग भी आप कटिंग करते हैं तो उसका भी एक सोल्यूशन है। इस तरीके से अगर आपने कटिंग कर लिया है तो इसका भी सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे आप फोटो पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, या अगर आप चाहें तो सिलेक्शन में जाकर यहाँ पे लोड सिलेक्शन भी कर सकते हैं आप। जब आप लोड सिलेक्शन करेंगे तो आपके फोटो के ऊपर एक सिलेक्शन बन जाएगा, और इस तरीके से सिलेक्शन बन जाने के बाद यहाँ पे आप मास्क अप्लाई कर सकते हैं। और मास्क अप्लाई करने के बाद आप फिल्टर में जाएंगे, अदर में जाने के बाद मिनिमम करेंगे इसको और इसको ओके करेंगे और ये कम हो जाएगा। आप चाहें तो और अप्लाई कर सकते हैं इसको, और आपका जो ये एक्स्ट्रा पार्ट था वो रिमूव हो चुका है चारों तरफ से। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप ज़्यादा भी अप्लाई मत करिए वरना आपका जो कुछ पार्ट है वो रिमूव हो जाएंगे। तो समझ के आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं जितनी आपको फ़ोटो को नीड हो उतनी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका जो ये सिलेक्शन प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया होगा। अगर आप मास्क में कटिंग करना चाहते हैं तो मास्क में कटिंग करने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से सिलेक्शन जब बना लेते हैं तो सिलेक्शन बनाने के बाद आप किसी भी टूल्स की मदद से सिलेक्शन बनाए हों, चाहे पेन टूल की हेल्प से बनाए हों या लासो टूल या मैजिक टूल, किसी भी की भी हेल्प से आप अगर इस तरीके से सिलेक्शन बनाते हैं वो मैटर नहीं करता है। आप ये सिलेक्शन बनाने के बाद सिंपली यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे जो मास्क जनरेट का एक ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और इस तरीके से ये जनरेट हो जाएगा और आप मास्किंग में कटिंग कर पाएंगे। इसको आप जब चाहें तब डिसेबल करके वापस आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।